हमारे प्राइम मिनिस्टर 2015 में इसी हवाई अड्डा में आए थे नरेंद्र मोदी जी। हाँ, इसी हवा में जाए क्योंकि आपको पता है कि भागलपुर कितना घना शहर है और इस उसके चलते हम लोग का क्या होता है, थोड़ा सा जो है हम लोग ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं। अगर इस तरह के फील्ड में कभी आते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से आना चाहिए यहाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। भागलपुर एयरपोर्ट यहाँ चालू नहीं होके यही एयरपोर्ट देवघर में चालू हुआ, क्या यहाँ इतना ज़मीन पर्याप्त नहीं थी? देखिए, का समय है और इतना भीड़ है, भीड़ होने का क्या कारण है सर? देखिए, एक्चुअली यहाँ पर जो मेन पर्पस है ये है एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में ये रहा तिलका मुंजी टू सबौर वाला रोड और इसी के बीच में है भागलपुर एयरपोर्ट। देखिए, यही है इसका मुख्य द्वार भागलपुर एयरपोर्ट का, जहां पर आपको पता होगा सबसे फर्स्ट टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर 2015 में इसी हवाई अड्डा में आए थे नरेंद्र मोदी जी। हाँ, तो चलिए इस हवाई अड्डा को आज हम लोग देखते हैं पूरी तरह से। देखिए किस तरह से गाड़ी स्पीड से निकलती है यहाँ से, तो पूरा हम लोग हवाई अड्डा का भ्रमण करेंगे। देखिए, काफ़ी लंबी चौड़ी मैदान है, बहुत ही बड़ी है, आपको देखेंगे बहुत दूर दूर तक देख रहे हैं आप कितना दूर में है, मतलब शहर आपको दिख रहा है कितना बड़ा है। बहुत यहीं पर आए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर 2015 में और भागलपुर एयरपोर्ट का परिभ्रमण करते हुए जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, सर बाइक चला रहे हैं, पूरी एयरपोर्ट का लगभग आप लोग को भ्रमण करवा देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सड़क की चौड़ाई लगभग 50 मीटर होगी, नहीं सर, सड़क की चौड़ाई लगभग 50 खेल रहा है क्रिकेट के गाड़ी। भागलपुर एयरपोर्ट का नज़ारा, शाम हो गया है फिर भी देखिए कितना चमक रहा है। यहाँ देखिए बाइक भी सीख रहा है, उधर चार चक्का भी सीख रहा है वो रोड पे। देखिए सर से कुछ बातचीत करते हैं हम लोग। सर, यहाँ आके आप कैसा फील कर रहे हैं, यहाँ का नज़ारा कैसा लग रहा है? देखिए, यहाँ जब आए हैं तो मत बोलिए, यहाँ जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने खुले जगह पर आए हुए हैं और मुश्किल से शहर में जो है इतना खुला जगह मिलेगा कहीं। एयरपोर्ट ही है भागलपुर में जो सबसे ज़्यादा जगह है, लगभग ये एयरपोर्ट जो है 100 एकड़ से भी ज़्यादा में फैली हुई है, और मतलब कहने का मतलब काफ़ी पर्याप्त प्लेस है यहाँ घूमने के लिए एक तरह से। जो लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा खुली हवा में जाए, क्योंकि आपको पता है कि भागलपुर कितना घना शहर है और इस उसके चलते हम लोग का क्या होता है, थोड़ा सा जो है हम लोग ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं। अगर इस तरह के फील्ड में कभी आते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से आना चाहिए यहाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर, एक क्वेश्चन और है जी, बोलिए।
कि भागलपुर एयरपोर्ट यहाँ चालू नहीं होके यही एयरपोर्ट देवघर में चालू हुआ, क्या यहाँ इतना ज़मीन पर्याप्त नहीं थी? देखिए मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि यहाँ फिर भी पर्याप्त ज़मीन है, बट पता नहीं जो है कहा गया और ज़्यादा ज़मीन चाहिए इसके लिए, लगभग 100 एकड़ से भी ज़्यादा यहाँ ज़मीन है, लेकिन थोड़ा और चाहिए इसके लिए जो है ना, इस वजह से यहाँ का प्लानिंग कैंसिल करके देवघर में बना दिया गया। हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन आई थिंक इतना ज़मीन तो यहाँ है कि हो सकता था अगर दिमाग लगाते तो। इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे अब। चलिए वहाँ भी चालू हुआ तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। नहीं डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन भागलपुर में होता तो कुछ और ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि हम सब के लिए ज़्यादा, हम लोग के लिए भी सुविधाएँ होती और भी मतलब लोगों के लिए भागलपुर कुछ ज़्यादा अच्छा रहता देवघर की तुलना में। देखिए शाम का समय है फिर भी इतना भीड़ है। सर जी ज़रा आप एक सवाल का जवाब और दे दें कि शाम का समय है और इतना भीड़ है, भीड़ होने का क्या कारण है सर? देखिए एक्चुअली यहाँ पर जो मेन पर्पस है ये है एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में ज़्यादातर लोग यहाँ पर वाहन सीखने के लिए आते हैं। किसी को बाइक चलाने नहीं आती, किसी को स्कूटी चलाने नहीं आती, किसी को फोर व्हीलर चलाने नहीं आती, तो लोग यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं। और जब आप पूरा नज़ारा देखेंगे उधर, देखिए सड़क भी है उस साइड में, तो आप देखेंगे कि अक्सर लोग गाड़ियाँ ही सीखने के लिए आए हैं। यहाँ का जो 90% लोग हैं वो गाड़ियाँ सीखने के लिए आते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर क्रिकेट भी खेलने के लिए आए हैं। उधर अभी दिखेगा नहीं, शायद शाम हो गया है, शाम का टाइम हो गया है। और कुछ लोग ऐसे भी हवा खाने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, जैसे अभी हम लोग आए हैं सिर्फ घूमने के पर्पज़ से, तो ऐसे भी 5% लोग हैं, लेकिन 90% लोग यहाँ वाहन सीखने के लिए आते हैं। कुछ लोग अगर आर्मी की तैयारी करते हैं तो सुबह सुबह वो लोग भी दौड़ने के लिए आते हैं, सेना में जाने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे पर्पज़ है इतने बड़े फील्ड में आने का, तरह तरह के लोग आते हैं यहाँ पर। चलिए इतनी अच्छी सारी जानकारी सर दिए,